So welcome you all. Let's continue the chapter from economics, poverty as a challenge. So in the previous video, we already discussed interest rate disparity, poverty line, and poverty trend in India. So let's start our next heading, that is the global poverty trend. Means not in India, but in whole world. कि हम केवल इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं. Poverty trend हमने इंडिया में तो कर लिया, लेकिन अब poverty trend इसमें पूरे वर्ल्ड ग्लोबली कैसा है उसके बारे में ना. Although extreme economic poverty has reduced in the world from 43% in 1990 to 22% in 2008. हम बात करते हैं कि जो पॉवर्टी ट्रेंड है वो कैसा है, पूरे इकोनॉमिक पॉवर्टी ट्रेंड कैसा हुआ, रिड्यूस हुआ है 43% का 1990 से लेकर 22% 2008 में. मींस 43 से लेकर कहां तक आ गया, 22% तक आ गया. बट स्टिल देयर आर वास्ट रीजनल डिफरेंसेस. जैसे इंडिया में हमने देखा कि हर स्टेट में एक जैसा नहीं है पॉवर्टी लेवल, उसी तरह से पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, ग्लोबली हम बात करते हैं, तो वो भी कैसे वास्ट रीजनल डिफरेंसेस, हमें रीजनल डिफरेंसेस एक बहुत बड़े स्केल पे देखने को मिल सकते हैं. द प्रपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी इन डिफरेंट कंट्रीज इज डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन. हमने यहाँ पे क्या किया था, इंडिया की जब बात कर रहे थे कि कौन लोग थे जिसमें हमने पर कैपिटा इनकम, कैलोरी इनटेक इन रूरल और अर्बन एरियाज उसे डिटरमाइन किया था कि कितने की कौन लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, कौन उसके ऊपर है. लेकिन जब हम बात इसकी कर रहे हैं कि प्रपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी लाइन इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज की बात करते हैं, तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन. हमने इंडिया में भी पॉवर्टी लाइन के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन जब पूरे वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज की बात करते हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन. इसका मतलब क्या है, मीन्स पॉपुलेशन बिलो $1 या वो पॉपुलेशन जिसको $1 से भी कम मिलता है एक दिन में जिस व्यक्ति की या जिस पर्सन की इनकम $1 इन अ डे उससे भी कम है तो किसमें आएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाएगा. नाउ द पॉवर्टी लाइन लेवल ऑफ चाइना, इंडिया एंड श्रीलंका हैज रिड्यूस्ड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. अब हमने पढ़ तो लिया कि कैसे हुआ, लेकिन अब यहाँ पे कौन कौन से नाम है, इंडिया है, चाइना है, श्रीलंका है, यहाँ पे भी पहले बहुत थी, लेकिन ये पॉवर्टी लेवल कैसे हो चुकी है, रिड्यूस हुई है काफी. और जैसे हमने कुछ चैप्टर्स से पहले वाले जो वीडियोस थे उसमें डेटा भी दिया है कि कितनी रिड्यूस हुई है. और उसका रीजन क्या है कि डेवलपमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, जो कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है किसी भी कंट्री के लिए, जिस कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा वो कंट्री अपने आप कैसे करेगी, डेवलप करेगी ना. तो इन्हें इंडिया और चाइना श्रीलंका इन्होंने डेवलप कर लिया है, क्यों, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स उनका डेवलप था. द पॉवर्टी लेवल ऑफ सहारन अफ्रीकन कंट्रीज रिमेन हाई ड्यू टू पुअर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जैसे जिसमें कहते हैं अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनका अभी भी पॉवर्टी लेवल जो है वो हाई है, क्यों, क्योंकि उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो डेवलप्ड नहीं है. किसी भी देश को अगर डेवलप करना है तो सबसे पहले उसे क्या करना होगा, अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना पड़ेगा. देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं अलग अलग कंट्रीज के, और वो क्या है कि पॉपुलेशन जिसको बिलो $1.25 अ डे मिलती है तो वो कितने परसेंट में है, देश में नाइजीरिया में कितना है, 62% लेवल, बांग्लादेश 43%, इंडिया 25%, काफी रिड्यूस हो गया इंडिया का भी ना, और पाकिस्तान बहुत ज्यादा कहते कितने इसमें है 13%, चाइना 6%, ब्राजील 5%, इंडोनेशिया 16% एंड श्रीलंका 4%. तो दे आर दिस एग्जांपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैविंग अ पॉपुलेशन बिलो $1.25 अ डे. तो ये हमारे पूरा डेटा अलग अलग कंट्रीज का हमने दिया. So we will continue the chapter in the next video.